पॉलिसी मेकिंग, जब भी कोई पॉलिसी बनती है उसके पीछे कोई ना कोई एजेंडा होता है या कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है जो हमको कंप्लीट करना होता है, अचीव करना होता है। तो जब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, जब भी हम सोचे तो गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी इसीलिए बनाती है ताकि उसके सिटीजन की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो और जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है, सिटीजन जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो सॉल्व हो पाए। इसी बेसिस पर जब भी एक गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो वो वेरियस स्टेप्स से गुजरती है, 5 स्टेप्स वो फॉलो करती है। सबसे पहला होता है एजेंडा पॉलिसी। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें गवर्नमेंट को एक स्कूल सेटअप करना है या फिर एक स्कूल में स्कूल के जो हमारे स्कूल्स हैं उनमें कुछ चेंजेस लाने हैं, सिलेबस में चेंज लाना है सपोज, तो अगर कोई बुक में कोई सिलेबस में चेंज लाना है ये एक एजेंडा है उनके लिए। अब इस बेसिस पर वो आगे के स्टेप्स फॉलो करेगी। तो एक एजेंडा होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट के पास, और वो एजेंडा किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, जैसे हमारे एग्जांपल में वो स्कूल से रिलेटेड है। अब सबसे पहला स्टेप हुआ हमारा एजेंडा बिल्डिंग, तो एजेंडा आया हमारे पास। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, कौन कौन सी कमेटी बैठेगी, कौन कौन से पीपल वहां पर बैठ के वो पॉलिसी को बनाएंगे, ये सब डिसाइड होता है। जब वो लोग सब एक साथ बैठते हैं तब वो एक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं। वो पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स, जैसे कि स्कूल में अगर हमें चेंजेस लाने हैं तो वो कौन से सब्जेक्ट में होंगे, क्या वो चेंजेस, कितने चेंजेस होने चाहिए, कितने चैप्टर्स में चेंजेस होने चाहिए, उस बारे में बात की जाती है। तो कोई भी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को कि उसका क्या इफेक्ट आने वाला है, अब जो चीज वो उस डिडक्ट कर रहे हैं उस सिलेबस से, उस चैप्टर से, क्या उस चीज में किसी सिटीजन को या किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है, कोई हंगामा तो नहीं हो जाएगा, क्या किसी रिलीजन या किसी रेस को तो हम हर्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो उस पॉलिसी फॉर्मुलेशन में सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए, सारे कॉर्नर्स को देखते हुए बात की जाती है, एंड देन पॉलिसी शुड बी फॉर्मुलेट। द नेक्स्ट स्टेप इज अडॉप्शन ऑफ दैट पॉलिसी। Now, before adoption of that policy, in the policy formulation, the policy has been introduced in the parliament, in the Lok Sabha and Rajya Sabha, because ऐसा हो सकता है the policy is not up to the mark, right? Then जो opposition party है government में, क्योंकि एक जो हमारी government है उसकी एक opposition party भी है, तो opposition party उस पॉलिसी की कोई कमियां निकाल सकती है और उस लूप होल्स, उन लैक से वो एक पॉलिसी को अपोज कर सकती है। इसमें प्रेसिडेंट का भी हाथ होता है कि वो उस पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए हाँ कर दे या उस पॉलिसी पे वो साइन ना करे। तो ये भी एस्पेक्ट्स गवर्नमेंट को देखने पड़ते हैं। अगर हो सकता है कि वो हमारे लोकसभा में पास नहीं होता है, ठीक है, कोई बिल है, कोई पॉलिसी है जो पास नहीं हुई है, तो उस पॉलिसी में फिर चेंजेस होती हैं। तो ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन का स्टेप तब तक चलता रहता है जब तक वो पास नहीं हो जाती और उस पॉलिसी में किसी को अपोज नहीं किया जाता, ठीक है। उसके बाद हमारी जब पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है तब बात आती है उसके अडॉप्शन की। कोई भी पॉलिसी को अडॉप्ट करना होता है तो जिस पॉलिसी के बेसिस पर, जिस प्रॉब्लम के बेसिस पे, जिस एजेंडा के बेसिस पे वो पॉलिसी बनी गई है, वो पॉलिसी के जो भी पार्ट हैं, जो भी पीपल हैं, जो भी कमेटी हैं, सिर्फ वो नहीं पर जो बाकी लोग भी हैं, जैसे कि अगर हमने एग्जांपल लिया था हमारा स्कूल का, ठीक है, तो अब स्कूल के बोर्ड में जो हमारे स्कूल स्टेट बोर्ड हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं सीबीएसई, ठीक है, तो अब सीबीएसई जो है वो एक ऐसी पार्टी बनेगी जो उस पॉलिसी को अडॉप्ट करवाएगी इन द स्कूल्स, राइट। सो ऐसे ही अगर कोई और डिपार्टमेंट होता है, नॉट ओनली द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन स्टेप बट ऑल्सो द पीपल हु आर गोइंग टू अडॉप्ट इट, ठीक है, हु आर गोइंग टू लेट पीपल अडॉप्ट देम, अडॉप्ट द पॉलिसी। सो वो पीपल अडॉप्शन वाले स्टेप में और भी लोग एडेड हो जाते हैं जिन पे ड्यूटी आ जाती है, जिन पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उनको वो पॉलिसी को अडॉप्ट करना है और अडॉप्ट करवाना है। देन द पॉलिसी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। नाउ इफ द पॉलिसी इज नाउ इम्प्लीमेंटेड वी सी
कि क्या वो पॉलिसी जिस काम के लिए बनी थी, जो हमारा एजेंडा था, क्या वो उसको फुलफिल कर रही है. नाउ इन द इम्प्लीमेंटेशन, एज आई से, देर आर वेरियस बोर्ड्स दैट आर इन्वॉल्व, लाइक आई सेड CBSE. अकॉर्डिंग टू दैट, वेरियस स्टेट स्कूल बोर्ड्स विल इम्प्लीमेंट द पॉलिसी इन देयर स्टेट्स एंड विल लुक आउट फॉर द आउटकम्स ऑफ इट, राइट, कि हमारा एजेंडा कंप्लीट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा. ठीक है, देन सो द आउटकम हैज बीन एवेल्युएटेड, एवेल्युएशन किया जाता है. इस एवेल्युएशन प्रोसेस में गवर्नमेंट काफी पैसा खर्च करती है. इसमें हमारे पास एक नाम होता है कॉस्ट एनालिसिस, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जिसमें कितनी कॉस्ट उनकी लगी और कितना उनको बेनिफिट मिल रहा है वो एनालिसिस किया जाता है. वैसे पास्ट परफॉर्मेंस में देखा जाए कि अगर कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो गई होती है तो उसको टर्मिनेट यानी कि वापस नहीं लिया जाता. लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, जिन्होंने एजेंडा चूज किया है, वो कमेटी, वो पॉलिटिकल जो ऑफिशियल्स हैं, सिर्फ उनके इंटरेस्ट के हिसाब से वो पॉलिसी बनी होती है और उस पॉलिसी को हमें उस गवर्नमेंट को टर्मिनेट करना पड़ता है. लेकिन ये इजी स्टेप नहीं होता. कोई भी पॉलिसी को टर्मिनेट करना में बहुत बहुत टाइम जाता है और जो सारे स्टेप्स में पैसे लगे हैं वो सब भी खर्च हो जाते हैं. तो गवर्नमेंट कोशिश करती है, तब भी पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी बनने में, उसको इम्प्लीमेंट होने में काफी टाइम लगता है, ताकि वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब भी करे तो उसको एक अच्छा रिजल्ट मिले और वो पॉलिसी सिटीजन की बेनिफिट के लिए बन पाए. इसीलिए टाइम लगता है कोई भी पॉलिसी को बनने में, उसको, उसका पॉलिसी फॉर्मुलेशन होने में, उसको अडॉप्ट करने में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में. तो इसीलिए एजेंडा चूज करने में भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ताकि सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी को ही बेनिफिट ना हो, बट एज ओवरऑल सारे सिटीजन्स को बेनिफिट हो, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो और जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं वो सॉल्व हो पाए. तो आई होप आपको समझ आया हो पॉलिसी मेकिंग. अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क योर डाउट देयर. सो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू कॉलेज ट्यूटर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.